दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने लेसन नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू पूरे क्वेश्चन दे दिए हैं। लेसन नंबर सेकंड का ऑलरेडी मैंने वन शॉट वीडियो भी दे दिया है। अब लेसन नंबर सेकंड में बच्चे मांग कर रहे थे कि सर एमसीक्यू का एक पूरा का पूरा जितने एमसीक्यू आ सकते हैं इसके अंदर पूरा कंप्लीट करा दो। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में जो भी आपको एमसीक्यू दिए गए हैं वही मैंने सेम टू सेम लिया है, और अगर आपने इतना कर लिया तो लगभग इसी के आसपास आपको एग्जाम में दिखाई देगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कॉट विच ऑफ दी फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें मैं थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा तो आपको थोड़ा बेसिक भी पता चलेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसका डिग्री क्या होगा, टू होना चाहिए। अगर आप यहां देखोगे तो सबसे पहले ये कैंसिल हो गया, डिग्री थ्री है, हाइएस्ट पावर इसका थ्री है, इसका हाइएस्ट पावर फाइव है, ये कैंसिल हो गया, ये देखो वन है इसका, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूछा गया है कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये क्या है, देखो यहां पे थ्री दिख रहा है तो नहीं है। अब ये यहां पे डिग्री टू है तो यहां पे जो एक्स वाला टर्म है वो हो सकता है उसका कोएफिशिएंट जीरो, तो ये भी है, याद रखना। नेक्स्ट है, इफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और इक्वल। रूट क्या बोला है आपको, रियल और इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्रदीप सर ने ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बनाया होगा, उसके अंदर भी बताया होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है जब हमारा रूट क्या होता है, इक्वल और रियल होता है। तो हमेशा याद रखना इक्वल और रियल होगा तो इसका वैल्यू जीरो होगा। अब इसमें से बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो ए का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो ए का वैल्यू क्या आएगा, वन, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए का वैल्यू वन। बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, जो एक्स के आगे है बी का वैल्यू क्या आएगा, टू, बी का वैल्यू क्या आएगा, टू। और सी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, सी की जगह पे क्या है, के, तो सी का वैल्यू क्या आएगा, के। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहां पे पुट करना है, देखो बी की जगह पे मैं टू का स्क्वायर रख रहा हूं, फोर, ए की जगह पे वन और सी की जगह पे के, इक्वल टू जीरो। अब यहां पे टू का स्क्वायर फोर, फोर के, इक्वल टू जीरो, देन फोर ऐसे ही है, फोर के मैं वहां पे भेज रहा हूं, देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर अपॉन फोर, देन के इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन, के का वैल्यू कितना आ गया, वन, तो ये हमारा राइट आंसर है। देन उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, प्रदीप सर ने इसके बारे में भी आपको बताया। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आप ए बी सी निकाल लो और जस्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालो। जस्ट यहां से ए का वैल्यू क्या आएगा मुझे बताओ आप, फर्स्ट ए का वैल्यू क्या आएगा, यहां से अगर मैं ए का वैल्यू देखूं तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो वन है। बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, माइनस टू, कल मिस्टेक मत कर देना। और सी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, माइनस थ्री है, देखो माइनस थ्री। अब जस्ट इसको आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है और पुट करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर है। बी का वैल्यू कितना है, माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है वन। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है माइनस थ्री। तो यहां पे क्या आएगा, फोर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, फोर त्रीजा कितना होगा, ट्वेल्व होगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया, सिक्सटीन आया, हमारा आंसर कितना आया, सिक्सटीन आया, और सिक्सटीन हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देन उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूं और ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं, सब जो लिखा हूं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट माइनस थ्री एंड माइनस फाइव। दोस्तों इससे रिलेटेड भी प्रदीप सर ने आपको एक फॉर्मूला दिया था, याद करो फॉर्मूला क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे देखो आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है, फास्ट कैसे पता चलेगा, माइनस थ्री और माइनस फाइव को प्लस कर दो, कितना होगा, माइनस एट होगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दोस्तों कितना होगा, 15 होगा। मल्टीप्लाई में हम ग्रेटर का साइन नहीं लिखते, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस। तो कहां पे आपको, यहां पे बस ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही होगा, यहां पे ये एक्स ऐसे ही होगा, यहां पे माइनस एट आएगा, ऑलरेडी एक माइनस है तो यहां पे क्या होगा, प्लस एट हो जाएगा, और यहां पे प्लस 15 विच इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से इक्वेशन कहां पे आपको दिख रहा होगा वो आपका आंसर है। तो ऐसा इक्वेशन हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, दैट्स वाई आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स हम नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स यहां पे भी है। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक रूट दिया है, जस्ट एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो,
आंसर आ गया। देखो यहाँ पे मैं x की जगह पे देखो 3 रख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे k की जगह, यहाँ पे x की जगह पे 3 और ये 27 विच इज इक्वल टू 0, ये कितना आएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3k, ये कितना हो जाएगा 27 विच इज इक्वल टू 0। देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस 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 होता है, तो दोनों का प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों, ये और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा 36 माइनस 3k विच इज इक्वल टू 0, देन 36 इक्वल टू 3k वहाँ पे प्लस गया, देन 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आई थिंक 12 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 12 हमारा प्लस में आंसर राइट है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज, हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री हमेशा क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री हमेशा क्या होगा आपको पता है 2 होगा। तो दोस्तों इस तरह से इतने क्वेश्चंस आपने अगर कर लिए तो सिस्टमेटिक आपका लेसन नंबर सेकंड का एमसीक्यू का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो प्लीज वन बाय वन अगर आप सिस्टमेटिक करो, अगर आपको चाहिए तो हम ऐसे ही लेसन नंबर थर्ड का भी लेकर आएंगे जिससे आप पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन कवर करोगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, और थैंक यू मैं बोलना चाहता हूं कि आप हर वीडियो के नीचे बहुत ही प्यारा कॉमेंट कर रहे हो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।